है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। ओम नमः शिवेभ्यः, ओम नमः शिवेभ्यः, ओम नमः शिवेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंदकुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की जय। लो परम पूज्य संत श्रवण आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। आपने दृश्य देखा होगा या नहीं भी देखा होगा, आश्चर्य तो आपको अवश्य हो सकता है, किंतु आश्चर्य विस्मय या कुछ चीजें ऐसी हैं हर एक व्यक्ति को आश्चर्य हो यह नियम नहीं है। आश्चर्य होना, विस्मय होना एक प्रकार से मोह के उदय के बिना नहीं हो सकता। जब अपने आप को देखना पड़ता है या देखते हैं, आश्चर्य नहीं होता, पर को देखने समय ही आश्चर्य हो सकता। आपको आश्चर्य होता है नहीं, छोटी छोटी बातों के ऊपर आप लोग जैसे बच्चे हैं उस प्रकार लट्टू हो जाते। इसको आश्चर्य न बोल करके कुछ व्यवहारी लोगों ने लट्टू कहते, अरे वो तो देख करके लट्टू हो गए। ये तो वो एक बल्ब होता है, उसको भी लट्टू बोलते। अब यह देखो, आत्मा की शक्ति का जिसे भान नहीं, विश्वास है लेकिन कमजोर हो, तो वह हर बात पर लट्टू हो जाता है। अब कसरत की बात है, जो व्यक्ति कसरत करता है तो वह अपने आप को कैसा संभाल लेता है। आप तो संभाल सकते हो, लेकिन जो जो कसर करता वो सब संभाले ऐसा कोई नियम नहीं। वो आपके सामने एक व्यक्ति को भेज देता हूँ तो वह व्यक्ति इसलिए कि उसी के माध्यम से आपका व्यायाम, आपकी कसरत, आपकी स्थिरता और दुनिया लट्टू हो रही है आपको देख करके, किंतु आपको ये भान ही नहीं है कौन वाह वाह कर रहा है। सब लोग प्राय करके वाह वाह की भूखे रहते। आपको भी कभी भूख लगी ऐसी? हाँ महाराज, बच्चों को तो प्राय करके लगी रहती। हम अपनी कक्षा में, सभी बच्चे लट्टू हो जाते, ये कैसा आ गया, कभी तो किताब देखता नहीं था, जब देखता तब वह सोता मिलता और तब वह उठ करके पढ़ता है। जब सभी कक्षा के बच्चे सो जाते और वो जो ही उठ जाते त्यों ही है सोने का बहाना कर देता। जब वह सामने आ गया तो क्या करोगे आप बताओ? कि छुपा नहीं सकोगे, किंतु वह विस्मय तब करता है जब
तीन चार नंबर कम पढ़ते हैं। आया तो वह एक नंबर में, लेकिन इतने नंबर कम क्यों पढ़े? विस्मय हो रहा है। अब की बार तो पक्का था, लेकिन कच्चा कैसा निकल गया। अभी आप लोगों की स्थिरता में कमी है, स्पष्ट है। जब नंबर दे गए हैं 100, तो उसमें कम क्यों? अब हर विषय को देखा करो। हम प्राय करके ये कमजोर रहता है उसको ज्यादा देखते हैं, दूसरा और कमजोर हो जाता है जो पूरा था। इसलिए जो पूरा है उसको पूरा ही रखो, जो कमजोर है उसके लिए ज्यादा विषय दे दो। उसने कहाँ देखा होगा, क्या किया होगा, हमें तो आश्चर्य हुए बिना नहीं रहता। आपको देख करके नहीं। एक बार सर्कस में यह दृश्य देखने को मिला। सर्वप्रथम मंच पर एक बड़ा गेंद लकड़ी का, हाँ, और बिल्कुल गोल है, गेंद तो गोल ही होते, और वह लुढ़कता हुआ आ गया। अब कौन क्या करेगा? इसके ऊपर खड़ा होना है, और थोड़ा सा भी धक्का लगता तो वह थोड़ा सा भी धक्का लगता तो वह अब क्या करें, पैर गिरना पक्का है, और नहीं गिरना ये विस्मयकारी घटना है। कुछ दिखाने के लिए तीन चार व्यक्ति आ जाते हैं, और वो दिखाने के लिए, ताकि आप लोगों की जिज्ञासा बढ़ जाए। ये सब फिर गिर रही है, सब गिर रहे, सबने दिखा। उसी बीच में एक हंसने वाला व्यंगकार, वो आ गया उसके ऊपर खड़ा हो गया। क्यों खड़ा हो गया? वह दिखाता था लेकिन हंसता कम, किंतु सावधानी ज्यादा रखता था। आप ये हास्यकार हो, इसलिए आप लोग हंस जाए और ये इसमें विस्मित हो जाए। हंसने वाले व्यक्ति भी दूसरे को हंसा सकते हैं या दूसरे को रुला सकते हैं। जो व्यक्ति हमेशा बाहर ही देखता है उसके लिए यही आदत पड़ी है। अब एक बहुत मोटा ताजा व्यक्ति आया, वहां तक वह जा नहीं पाया क्योंकि बड़ा है गेंद, हम देख लेंगे लेकिन कैसे चढ़े, उसके पैर ही नहीं उठ पा रहे थे। तो वह देख करके हाथ भर लगाया, उसको देखा, वो लुढ़कने लगा, भैया चलो हमारी बस की। और उसी के पीछे पीछे से सब लोग सावधान हो जाए, एक हाथी आया। अब क्या करेगा वो? अब क्या करे बताओ? वो हाथी आया, मार्ग एक बनाया गया था उसके लिए, उससे वह ऊपर आया। सर्वप्रथम वह अपने सूंड से उसको सलाम देता, सलाम। सभी लोग यहाँ पर देखने के लिए आए हैं, खेल बहुत पूर्ण हो, और सब लोग ताली नहीं भी बजाओ तो बजाने लग जाएंगे। हाँ, इतना तो अवश्य है, आप लोगों में ताली बजाने की आदत तो पूर्ण पड़ चुकी है।
अब सो जाओ, नहीं अब जाग जाओ, आज 14 है। और कहीं कहीं पर दिवाली भी मनाई जा रही है आज ही। हम तो आज नहीं है, कल सोच रहे। अब सोचो चातुर्मास समाप्त हो गया, एक ऐसा इतिहास बन गया। तो वह ऊपर आ गया, सलाम होने के उपरांत वह एक पैर सर्वप्रथम एक पैर रख गया। किसे करो, पैर तो उसने रख दिया। फिर इसके उपरांत वह दूसरा पैर भी उसी के साथ खिसका करके उसको भी जमा दिया। पैर के ऊपर पैर के कुछ हिस्सा भी आ रहा है, लेकिन उसको धीरे धीरे जमाता हुआ जमा दोनों पैर उसके ऊपर आ। अब तीसरे पैर को भी बहुत ही संभाल करके, दोनों पैर कहीं खिसक न जाए, इसके लिए उसने उठा उठा करके धीरे 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 उसको भी रख लिया मजबूती के साथ। फिर इसके उपरांत क्या करता है, चौथे पैर को भी रखने के लिए थोड़ी सी सूंड का, जैसे जैसे भी बोलते हैं, जैसे भी वह अपने सूंड के माध्यम से अपने आप को उठा ऊपर उठा देती। ऐसे ही सूंड के बल पर उसने चौथे पैर को भी रख दिया। अभी खेल पूर्ण नहीं हुआ, अभी तो वह ऊपर गया है। आप लोग कहीं गिर न जाओ, ठीक बैठो। सब लोग देख करके दंग रह गए, इतना विशाल काय का हाथी है और ये खड़ा हमारे सामने सामने हो गया। गेंद तो बदली नहीं, वही गेंद है। और वह धीरे धीरे उसको धीरे धीरे सक्रिय बना देता है। ऊपर का हिस्सा सामने आ गया, लेकिन इस ढंग से पैर से उसको सामने लाया गया और पैर मजबूती के साथ चारों काम कर रहे हैं। इसके बाद वह उस सूंड को ऊपर उठा दिया और सब आप लोगों का उसने स्वागत कर दिया। कई लोग सोच रहे हैं यदि गिर जाए तो क्या होगा, इसका गिरता कैसे बताओ, नहीं गिर सकता। क्योंकि गिरना तब है जब हमारा संयम बिगड़ जाए। संयम है, नियंत्रण है, वह अपना नियंत्रण है तो अलग ही आनंद अनुभव होता है। और दूसरे के माध्यम से यदि है वह भी एक, इसलिए कि प्रेरणा प्रद वस्तु होती है। एक हाथी यदि अपने पुरुषार्थ के बल पर संकेत देने से यह सब काम किया है, एक मिनटों में नहीं हुआ, ये महीनों में हो जाता है। आप लोगों के लिए भव भव ले भी होना बहुत मुश्किल है। तैयार
हम भीतर से करते चले जाएं, करते चले जाएं, तब कहीं जा करके दूसरा सब परिचित भी अपरिचित लगे, परिचित भी अपरिचित लगे, ये कब होता है? दूसरे का आकर्षण जब मिट जाता है। आकर्षण विज्ञान को भी एक प्रकार से विस्मय में डाल रहा था, किस वस्तु का कितना आकर्षण होता है, उसके लिए उन्होंने ये नाम दिया है। ऊपर से कोई गिरता है तो गुरुत्वाकर्षण कारण वह गिरता है। यदि गुरुत्वाकर्षण नहीं मानते हैं तो वह गिर नहीं सकता, ऐसा उनका निष्कर्ष है। तो गुरुत्वाकर्षण क्या है? तो आत्म स्वभाव के बारे में सोचते हैं तो वह अगुर लघु गुण से युक्त है, न गुरु है और न लघु है, किंतु अगुर लघु तो गुण से स्वभाव की पर्याय उत्पन्न हो जाती है, किंतु दूसरे पर्यायों के उत्पत्ति के लिए वह आकर्षण हो जाता। दुनिया का आकर्षण बहुत बड़ा आकर्षण है। आकर्षण, उत्कर्षण, निष्कर्षण, अनेक प्रकार के यह कृष धातु से बने हुए शब्द है। उत्कर्षण कैसा होता है? तो ऐसा होता है, एक 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 गुणों को उसमें डाला जाता है, तब वह ये 10 कर्णों में, 8 कर्णों में एक उत्कर्षण भी आता है। वह गुणों का भी उत्कर्षण होता है और वह स्थिति का भी उत्कर्षण होता है, वह प्रदेशों का भी उत्कर्षण होता है। इस प्रकार कर्म सिद्धांत में आज ये राजवार्तिक पूर्ण हुआ, उसमें यह प्रकरण भी आया था। उस हाथी भी इस प्रकार का अपने आप को संभालने के लिए गया तो शक्ति का आकर्षण नीचे की ओर न देख करके उसने अपने आप को हल्का बनाया, हल्का बनाया, हल्का बनाया, हल्का बनाते बनाते जब वह फुल्का बन जाता है, फुल्का समझते हो, रोटी, वह फूल जाता है, फूल जाता है तो अपने आप ही एक केंद्र को रख देता है, बाकी सब से वो ऊपर उठ जाता है। अब यदि मान लो कड़ाव में पूड़ी है तो नीचे से बोलो क्या करता है पूड़ी? जब तक कच्चा रहता है तब तक वह नीचे रहता है, चाहे तेल हो या घी हो, और जैसे 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 वह पूर्ण एब्जॉर्ब कर लेता है घी को, फिर बाद में घी को कहता है हम स्वीकार नहीं करेंगे, अब हम स्वीकार नहीं करेंगे, हम स्वीकार नहीं करेंगे, तो वह फूल जाता है और ऊपर, बोलो अब तो बोलो, तैरने लग जाता है। आत्मा भी शरीर आश्रित हो करके भी यदि शरीर को भूल जाए तो विज्ञान को भी अचंभे में डाल देगा। हाँ, अभी कुछ नहीं है, अभी तो अपना प्रारंभ हुआ है, धीरे धीरे अपने आप को ऊपर उठाने का प्रयास करिए। आप 1 क्विंटल ऊपर उठा सकते हो, हैं? किंतु आप
पर को उठा सकते। अपने आप को एक सेंटीमीटर आप उठा करके दे देना, बैठे बैठे कर लो, प्रयास कर लो, हाथ से नहीं लगाना, नहीं समझे? बाकी सब पार्ट आप लगा सकते हो, कर दो। एक बाल भी नहीं उठ सकता। अब सात राज्य वहां तक जाना है, अब क्या कहाँ जाना बताओ? ऊपर जाना, तो किसने आपको रोक रखा है? किसने रोक रखा है? इन आकर्षणों से हम विखे हुए हैं। यदि चाहे ऊपर जाए, अनंतो ऊपर चले गए, हम जो रहे यहीं के यहीं हैं। वही घोड़ा, वही मैदान, वही गोरख धंधा, और कुछ भी नहीं। इसलिए हम लोगों को ऊपर उठने का पुरुषार्थ नहीं हो सका। यदि चाहें रिद्धि हो जाती हैं, विक्रियाँ हो जाती हैं, तो उसके द्वारा चाहे सम्यक दृष्टि हो, चाहे मिथ्या दृष्टि हो, चाहे राम हो, चाहे रावण हो, कभी कभी रावण भी बहुत जल्दी विद्या सिद्ध करता और राम तो उसमें फेल ही हो जाते, क्योंकि अभी सीता का आकर्षण नहीं, मन ही नहीं लग रहा है। ये बड़ा विचित्र लगता है। जब वह बैठ जाता है बार में ध्यान में, फिर वह दुनिया का कोई भी आकर्षण उन्हें गिरा नहीं सका और वह मुक्त हो गए। इसी प्रकार आप लोगों को आकर्षण शब्द से समझ लेना चाहिए, दुनिया का आकर्षण कितना बड़ा है। इसलिए गुरुओं का आकर्षण बढ़ जाए तो ठीक है। इसलिए विज्ञान ने गुरुत्वाकर्षण तो रखा, लेकिन वह बाहरी पदार्थों के लिए उपयोग किया है। अहिंसा परमो धर्म की जरूरत।